लगाण वर्षा जनित बन्यारे मालकानगिरी पोटेरु अंचल विशेष क्षतिग्रस्त होइछि। एबे पाग बदलिबा परे स्थितिरे सुधार आसुछि। व्यापक फसल नष्ट होइतिबा बेले राजरास्ता धोई होइ जायछि। लगाण वर्षा जनित बन्यारे मालकानगिरी पोटेरु अंचल विशेष क्षतिग्रस्त होइछि। एबे पाग बदलिछि, धीरे धीरे स्थितिरे भी सुधार आसुछि। व्यापक फसल नष्ट होइतिबा बेले राजरास्ता धोई होइ जायछि। आपणक टीवी स्क्रीन रे किछि चाष जमीर चित्र भी रहिछि। जेहेतु अनेक हेक्टर हेक्टर अंचल चाष जमी गुडिक जलमग्न होइतिला, तेणुकरी चाष मध्य नष्ट होइतिबा नै खबर सामनाकु आसुछि। सेतेबेले दुई दिन धरि जो स्थिति किंतु मालकानगिरी रहिथिला, अनेक गाँ बाह्य जगतरु विच्छिन्न होइतिला, एबे धीरे धीरे स्थितिरे सुधार आसिबारे लागिछि। जेहेतु वर्षा छाडिछि, पागरे परिवर्तन आसिछि, क्षयक्षति नै भी आकलन परवर्ती समय हुए तो प्रशासन पक्षरु कराजिबो। कारण अनेक चाष जमी जलमग्न थिबारु चाषक मध्य नष्ट होइथिबार खबर सामनाकु आसुछि। काली बन्ना जल पानी आसिकी आम घर दुआर भांगी जाइछि, पछकनी रे कांत पड़ी जाइछि, पिंडा पिंडा सब खसी जाइछि, सामान पाति किछि किछि भासिगला, कुकुड़ा सुहा केतेटा गला, आउ माटी तो सब गात गात करिकी धोई नै गला। चाषीकर प्रतिक्रिया मध्य आपण सुनुथिले जे अनेक चाषी जो माने धार करज करी चाष करथिले, सेमाने वर्तमान समय चिंतार पड़िछंती कोटु पैसा आणबे, धार करज केमिति सुझा जिवो, सेथिपई प्रशासन निकटरे गुहारी मध्य करुछंती। क्षयक्षतिर आकलन करा जाय, तांकु आर्थिक सहयोग जुगाई दिया जिबा पई। दुई रु तीन दिन धरी मालकानगिरी जो स्थिति रहितला, अनेक गुडी गाँ बाह्य जगतरु संपूर्ण विच्छिन्न होइतला, अनेक लोकंकर घर भी भांगिछि, विशेष करी चाष जमी गुडिक जलमग्न होइतिबारु चासी माने क्षति सहिछंती।